एक कौड़ी के अंदर रेलवे स्टेशन होना चाहिए। अगर कौड़ी के अंदर रेलवे स्टेशन नहीं होगा तो हम अपनी धरना देके अपनी जान दे देंगे इस पटरी के ऊपर। हम इनको स्पेयर नहीं करेंगे। डीडीसी बीडीसी जो भी हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो हम यही मांग रखते हैं कि कौड़ी के अंदर जो है हमारा स्टेशन जो है वो होना चाहिए, और जहां इतना प्रोजेक्ट का काम लगता है वहां लोगों का रोडों के काम होते हैं, पानी का काम होता है, हर काम होते हैं, स्कूलों के काम होते हैं, जहां तो कुछ भी काम नहीं हो रहा है। जो भी पैसा आ रहा है खा रहे हैं और जा रहे हैं, और इसके साथ साथ में जो ऊपर से हमारा रास्ता है लोगों का, उनको जाने के लिए रोका ना जाए। उनके जाने के लिए जैसे बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं उनको घूमने दिया जा रहा है, तो हमारे लोगों को भी समस्या बनती है, कहीं मातमदारी हो जाती है जहाँ कोई ऐसा फैक्शन होता है, तो उनको भी जाने के लिए रोका ना जाए। तो इसलिए हमारी यही मांग रहेगी। एक फाइल हमने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को रियासी में दी थी, दूसरी जहाँ कौड़ी में आए थे इधर भी उनको दी थी। अभी बोलते हैं कि ग्राइड हाइट में है, कैसे हो गया हाइट में, वो हमारे पास कागज़ हैं, कोई बात नहीं, इसके लिए हम लड़ेंगे। और अगर ये हमारा मसला नहीं हल हुआ तो हम इलेक्शन को बाईगार्ड करेंगे, और कोई बोर्ड नहीं डालेगा, कोई कुछ नहीं होगा, इलेक्शन को बाईगार्ड कर देंगे। मेरा नाम जुगल किशोर है, मैं जहाँ का पेंच हूँ, वार्ड नंबर 7 का, ये मेरी वार्ड में पड़ता है गाँव, और ये पुल भी मेरी वार्ड में बना है। तो मैं सर आपको एक बात बता दूं कि इधर दादागिरी से जो बाहर के हमारे लोकल लोगों को तंग किया जाता है, बाहर से टोलियों की टोलियां चलती हैं ऊपर ब्रिज से, तो हमारे लोकल लोग चलने से इधर इनका पैंट घिस रहा है। ये तो हमारे ऊपर पॉलिटिकल लीडर बैठे हुए हैं, जहाँ पे ये कंपनी थोड़ी है, ये कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए थोड़ी आए हैं, ये हमारे ऊपर पॉलिटिकल लीडर बैठे हुए हैं जहाँ पे, तो हमारे लोगों को बहुत तंग किया जा रहा है। तो मैं मीडिया की माध्यम से आज एक बात स्पष्ट करता हूँ कि अगर काल परसों से हम जाएंगे ऊपर से, अगर किसी ने रोका तो फिर हम भी दूसरी तरह से उतरेंगे। हमें बड़ा ज़्यादा तंग किया है, और जो स्टेशन के हमारे कागज़ वगैरह जो भी हैं, स्टेशन जहाँ पे है अभी भी 2020 में हम आपको दिखाएंगे। जो हमारे कुछ सिपाही भी आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। 95% 100% हमारी इधर 15-18 पंचायतों के वोट जाते हैं। अगर आज के बाद अगर हमारी ये मांग नहीं पूरी हुई तो हम इलेक्शन को बाईगार्ड कर देंगे, बिल्कुल बाईगार्ड कर देंगे इलेक्शन को, और आगे नहीं जाने देंगे। जहाँ ठाकरागोड़ से लेकर धर्माड़ी थुरू जहाँ के भी लोग हैं, बिल्कुल 2020 में जो कोंकण रेलवे की जो एक लेटर लिखा है कोंकण रेलवे को, नॉर्दर्न रेलवे ने, वो भी हमारे पास कागज़ हैं, उस पर स्पष्ट लिखा है कि इनका प्लेटफार्म दे दो हमें, वो कागज़ हैं हमारे पास पूरा। कौड़ी का जमीनें ली है लोगों, गरीब लोगों को बर्बाद कर दिया है, पानी सूख गए हैं जहाँ के, तो बिल्कुल जायज़ हमारा जो स्टेशन है, इधर के कागज़ हैं हमारे पास, हम कोर्ट केस करेंगे इनके ऊपर, ऐसे नहीं होगा। जाने निकालेंगे जहाँ पे धरने प्रदर्शन होंगे। अब घास के रस्से बना के चिनाब को क्रॉस करके पार, नदी क्रॉस करके पार जाते थे, उसके बाद स्टील के रस्से मिले तो एक डब्बा लगाया ग्रारी नाम उसका करके, उसके ऊपर भी क्रॉस किया, उसके बाद नौब आई उसमें भी हम चले। आज नहीं हमारे वास्ते नौब ब्रिज बना तो नहीं, नाप नहीं जाने का कोई हमारा प्रयास। ये मांग है ब्रिज के ऊपर जाने के लिए, आज हमारा पाँव लगता है तो हमें पुलिस जहाँ CRP लाई है, हमें जाने का नहीं है। पहला तो डिमांड मेरी ये है, बक्कल हो और कौड़ी के लोगों में इनका जो नज़दीकी मिलने वाले ब्रिज के साथ मिलने वाले लोग, इनके कार्ड बनाए जाएं, ताकि हमने टाइम बाई टाइम इसको क्रॉसिंग करने के चुनाव में शरांग लगा के हम मरने वाले नहीं, इस ब्रिज पर जाएंगे। आज जो बाहर के लोग आते हैं वो ब्रिज पर घूम सकते हैं, हमारे कौड़ी और बक्कल के लोग ब्रिज पर जा सकते हैं। देखो इसमें हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमें ब्रिज पर रास्ता चाहिए, कोई इतना इतना हैवी काम करके चला गया, हमारे ये रास्ता नहीं बना सकते। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनने पर पूरे भारतवासियों को इसका जो है घर महसूस हो रहा है, लेकिन आपको बात करेंगे, आज मन की बात का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा और स्थानीय लोगों ने उसके हिस्सा भी बने, लेकिन जब मन की बात लोगों ने सुनी, उसकी सराहने की और प्रधानमंत्री की सराहने भी की, लेकिन जब बात आई लोकल की तो लोकल ने अपनी मन की बात उन्होंने भी रखी। उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर एक दौर था जब यहाँ से दरिया बहता था तो ये एक ज़माना था जब घास का रास्ता बनाकर दरिया क्रॉस करते थे। जैसे वक्त बदलता गया उसके बाद लिफ्ट सिस्टम आया, उसके बाद जैसे बदलता हुआ सिस्टम आया तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौड़ी और बक्कल के दरमियान बनाया गया, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग निराश दिखे और साफ तौर से उन्होंने कहा कि बाहर से जब यहाँ लोग आते हैं और इस ब्रिज को देखते हैं और आर पार जाना उनके लिए बिल्कुल यहाँ से आना जाना दिया जाता है, अनुमति मिल जाती है, लेकिन जब लोकल की बात आती है कोई अनुमति नहीं दी जाती है।
तो कहीं ना कहीं उससे निराश होते हुए दिख रहे हैं। दूसरी उनकी मांग ये थी कि यहाँ पर जो स्टेशन के लिए स्थान चुना गया था उसके बाद कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हुई उसके ऊपर और उसके बाद उस स्टेशन को हटा दिया गया। ये भी स्थानीय लोगों की वहाँ पर उन्हें साफ तौर से कहा गया। उन्होंने साफ तौर से ये भी दावा किया है जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक जो इलेक्शन होगी उसमें हम बायकॉट करेंगे। जैसे उनकी मांगें पूरी हो जाती हैं तो इलेक्शन का वो भी हिस्सा बनेंगे। अब देखना ये होगा कि सरकार या प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है। एक और उनकी मांग ये थी कि अगर हम यहाँ से गुजरने के लिए उस तरफ जाते हैं तो या फिर हमारे लिए पास बनाया जाए, कोई हमें परमिशन का एक जरिया बना दिया जाए जिससे हम अपने रिश्तेदारों या फिर मातमदार या किसी और अन्य कारण से अगर जाना पड़े तो कहीं ना कहीं इस पुल से उनको जाने दिया जाए। खास करके ये लोकल की मांग थी जिसमें रिजोल्ट सब की मांग की बात मैंने सुनी। हमारा कैंप लगता है सब हमारे मान की बात यही है कि हम गरीबों पे भी दया की जाए, एक स्टेशन दे दिया जाए, अगर था पहले बात चली थी तो दे दिया जाए। बहुत पॉपुलेशन है इधर, 14-15 पंचायतें हैं, ये लोग तो कहाँ जाएंगे, रियासी जाएंगे इधर से घूम के, अच्छा नहीं लगेगा। तो दो बार रेल मंत्री सर आए हमारे को ढुकने नहीं दिया उधर किसी ने, और हम जाएंगे लीडरशिप के पास, हमारे को डंडा मार के 5 किलोमीटर से भगा देती है गवर्नमेंट। यही मीडिया है, मीडिया की वजह से अगर हमारा कुछ मसला हल हो जाए तो हो जाए, मेहरबानी हो जाए, नहीं तो बिल्कुल हमको ये खत्म हो गई है गारंटी। देखो हमें बोला कि स्टेशन यहाँ पे है, अभी सब कुछ हमने जमीने सबको दे दी, 80% हमारी जमीने चली गई हैं, अभी रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया है। तो अभी तो हमें ऐसे देखते हैं कि यहाँ पे मूवमेंट करने के लिए बक्कल से कोड़ी जाना होता, अभी ऐसे देखते हैं जैसे शेर बकरी को देखता है कि यहाँ के हम है ही नहीं ऐसे बिल्कुल भी, और हमारा बिल्कुल साधन खत्म हो गया है। हमें तो यही बताया कि स्टेशन है, अभी सुनने में आया कि यहाँ पे स्टेशन कट हो गया है। और मेरी यही गुजारिश है LG गवर्नर से और PM मोदी से, और हमें ये स्टेशन हमारा यहाँ पे होना चाहिए, स्टार्टिंग में था और अब भी होना चाहिए। कि अब स्थानीय लोगों के साथ बैठने वाले हैं, जो भी बात होगी हम माननीय रेल मिनिस्टर जो हैं हम उनसे बात करेंगे और इनके मामले को हल करने का प्रयास करेंगे ताकि ये इनको लिंक मिल सके। आपने लोगों की मन की बात की तो फिर उसमें कोड़ी के लोगों की भी मन की बात आती है और देश के लोगों की भी मन की बात आती है। कोड़ी के लोगों की मन की बात है, उसमें हमारा प्रयास रहेगा कि कोड़ी के जो जनता है उनके मन की बात को भी हम जो रेल मिनिस्टर हैं, मैंने रास्ते में अपने जो हमारे प्रदेश के मंत्री हैं हमारे अरविंद जी में और जिला अध्यक्ष से बात कर रहे थे कि हम रेलवे मिनिस्टर जो हैं उनसे टाइम लेकर इनकी बात जो है वहां तक उनकी मन की बात वहां पहुंचाएंगे। मन की बात भी सुनी और इस कार्यक्रम के हिस्सा भी बने, लेकिन जब मन की बात उनकी बारी आई तो कहीं ना कहीं वो निराश होते हुए दिख रहे हैं। अब देखना ये होगा क्या इन स्थानीय लोगों की क्या मांग सुन जाती है, या फिर कोड़ी में रेलवे स्टेशन बनाया जाता है, या फिर यहाँ से इस पुल से उस पुल की जो दूसरी तरफ बक्कल की तरफ लोगों को जाने दिया जाता है। अब देखना ये होगा कि सरकार या प्रशासन या फिर यहाँ के उच्च अधिकारी हैं इस पर क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति, धन्यवाद।